बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ महनूर रेहान और आप देख रहे हैं महनूर्स फूड कॉर्नर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे फोर वेज कॉफ़ी विदाउट मशीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसकी कॉफ़ी बेस रेडी करेंगे। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वह है 1/4 कप क्लासिक कॉफ़ी। यहाँ मैं नेस्कैफे की कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ। 1/4 कप चीनी और 2.5 टेबल स्पून पानी। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉफ़ी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। पानी हम ग्रेजुअली ऐड करेंगे। तो गाइस, आज है 9th February और आज है मेरी बर्थडे। हम इस रेसिपी को बहुत ही इंजॉय करके बनाना सीखेंगे। अब मैंने इसमें ग्रेजुअली पानी भी ऐड कर लिया है। अब मैं इसे 10 टू 15 मिनट्स के लिए सही तरह से मिक्स कर लूँगी। तो इस पॉइंट पे मैं अगेन इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी हम ग्रेजुअली ही ऐड करेंगे। अगर इकट्ठा ऐड करेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे। ऐड करने के बाद हम इसे सही तरह से मिक्स करेंगे और तब तक मिक्स करेंगे कि जब तक इसका जो कलर है वह चेंज नहीं हो जाता। या आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। तो इसे मिक्स करने के लिए हम विस्क यूज़ कर सकते हैं, स्पून, फोक या जो आपको इजी हो आप यूज़ कर सकते हैं। लिटरली इसे मिक्स करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, जिस तरह से मैं इसे ईजी होके और इंजॉय करके मिक्स कर रही हूँ। अगर आप भी इसे ऐसे मिक्स करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये लम्प लेस हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हमारी जो कॉफ़ी बेस है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसकी रिजिडिटी चेक कर सकते हैं, इसके स्टिफ पीक्स बन चुके हैं। तो अब चलते हैं अपनी फर्स्ट टाइप आइस डालगोना कॉफ़ी की तरफ। यहाँ मैंने लिया है 3/4 ग्लास ठंडा दूध। इसमें मैं ऐड करूँगी आइस क्यूब्स। तो आइस क्यूब्स ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे कॉफ़ी बेस। चूँकि हम आइस डालगोना कॉफ़ी बना रहे हैं तो हम ऐड नहीं बल्कि प्लेस करेंगे और इसको ऊपर ही सेट करेंगे। यहाँ अप्रॉक्सीमेटली मैं 2 टेबल स्पून कॉफ़ी बेस के प्लेस कर रही हूँ। इसे ऐसे ही सेट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं आइस डालगोना कॉफ़ी जो है वो लग रही है ना मार्केट जैसी। तो अभी हमारी कॉफ़ी जो है वो रेडी नहीं हुई, एक चीज़ है रिमेनिंग। तो यहाँ मैंने ली है क्रश चॉकलेट। इसे हम स्प्रिंकल करेंगे, जितनी आपको पसंद हो आप उतनी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो अगर आपने मेरे चैनल महनूर्स फूड कॉर्नर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। तो मैंने इसे स्प्रिंकल कर दिया है। इसी तरह से हमारी आइस डालगोना कॉफ़ी रेडी है। सेकेंड टाइप की तरफ चलते हैं, वो है क्लासिक डालगोना कॉफ़ी। तो यहाँ मैंने लिया है 3/4 ग्लास हॉट मिल्क। अब मैं इसे ग्लास में पोर करूंगी ऊपर करके कि जो मिल्क का टेक्सचर है वो फोमी हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर जो है वो फोमी हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कॉफ़ी बेस। आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, बट इन माय ओपिनियन 2 टेबल स्पून ऑफ कॉफ़ी बेस आर इनफ। इसको मैंने इसमें ऐड कर लिया है, हम इसे ऊपर ही सेट कर लेंगे। तो यहाँ हमारी क्लासिक डालगोना कॉफ़ी रेडी है। थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं, वो है कैपेचिनो कॉफ़ी। यहाँ मैंने अगेन 3/4 ग्लास हॉट मिल्क लिया है। अगेन वही प्रोसेस यूज़ करेंगे, ऊपर करके ऐड करेंगे कि फोमी टेक्सचर बन जाए मिल्क का। तो अब इस पॉइंट पे ऐड करेंगे कॉफ़ी बेस। डालगोना कॉफ़ी में मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किए थे कॉफ़ी बेस के, बट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून ऑफ कॉफ़ी बेस। तो ऐड करने के बाद इसे सही तरह से मिक्स करेंगे। तो मैंने इसे मिक्स भी कर लिया, ये आप देख सकते हैं। अब मैंने ली है यहाँ मेल्टेड चॉकलेट। तो चॉकलेट के कॉर्नर पे मैंने स्मॉल सा कट लगा लिया और इससे हम डिज़ाइनिंग करेंगे, लाइक जो कॉफ़ी पे लैटे आर्ट होता है। अब अपनी चॉइस का कर सकते हैं। तो अभी से इसका टेक्स्चर बहुत ही मज़े का आना स्टार्ट हो गया। अब मैंने ली है टूथपिक, इसे इसकी डिज़ाइनिंग कर देंगे। कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है तो मैंने सोचा क्यों ना अपने स्पेशल ओकेजन पे अपनी YouTube फैमिली के साथ फोर वेज कॉफ़ी विदाउट मशीन की रेसिपी शेयर की जाए।
तो आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ मैंने इसकी डिज़ाइनिंग कर लिया है और हमारी कैपेचिनो कॉफ़ी रेडी है। फोर्थ टाइप यानी कि हमारी लास्ट मोखा डलगोना कॉफ़ी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैं 3 टेबलस्पून कॉफ़ी बेस की ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी ऐड कर सकते हैं कॉफ़ी बेस को। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें 3 टेबलस्पून कॉफ़ी बेस के ऐड किए हैं। यहाँ मैंने लिया है कोको पाउडर, इसमें हम ऐड करेंगे। तो जितनी आपको चॉकलेटी कॉफ़ी चाहिए हो और पसंद हो आप उतना कोको पाउडर ऐड कर सकते हैं। ऐड करें और मिक्स करते जाएं। मैंने तो इसमें दिल खोल के कोको पाउडर ऐड किया क्योंकि मुझे कॉफ़ी और चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये तो इसका कॉम्बो बन जाएगा। बस ऐड करके तो सही तरह से आप मिक्स करते जाएं कोको पाउडर और कॉफ़ी बेस को। तो ये आप देख सकते हैं अभी भी मुझे चॉकलेट ही ज़्यादा चाहिए। कोको पाउडर मैंने फिर से ऐड किया और इसे हम मिक्स कर लेंगे सही तरह से। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसे सही तरह से मिक्स कर लिया और मोका कॉफ़ी बेस जो है हमारी रेडी है। यहाँ मैंने 3/4 ग्लास हॉट मिल्क लिया है, मैं ऐड कर रही हूँ ग्लास में। उसी तरह से पोर करेंगे जिस तरह से हमने फोमी मिल्क टेक्सचर लाने के लिए किया था। तो अब मैं इसमें मोका कॉफ़ी बेस ऐड करूँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैं कॉफ़ी रेसिपीज़ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँगी वो मिनी हैंड मिक्सर को यूज़ करते हुए करूँगी। लाइक वो जो रेसिपीज़ होंगी वो कॉफ़ी रेसिपीज़ विद मशीन होंगी। तो ये आप देख सकते हैं मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉफ़ी बेस। तो ये आप देख सकते हैं मैंने मोका कॉफ़ी बेस जो है वो इस पर प्लेस कर दिया। हम जेंटली इस पर स्प्रेड करेंगे और मिल्क के बेस पे इसे सेट कर लेंगे। तो हमारी मोका डलगोना कॉफ़ी जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो इस पॉइंट पे हमारी बहुत ही मज़ेदार और विंटर स्पेशल 4 टाइप्स कॉफ़ी विदाउट मशीन बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो अगर आप मेरे चैनल महनूर्स फूड कॉर्नर पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि जो मेरी न्यू रेसिपीज़ और वीडियोज़ आने वाली होंगी और जो मैं अपलोड करूँगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज की मेरी ये बर्थडे स्पेशल रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो इतनी इंस्टेंट और गुड लुकिंग रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने का एक तो क्रेडिट जाता है ना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आपके फीडबैक का मुझे वेट होता है। तो मैं एक नाथवा भी हूँ, अगर आप मेरी नातें सुनना चाहते हैं तो फीचर चैनल में महनूर रेहान नाथवा चैनल नात का मेरा आपको मिल जाएगा। इजीली आप वहाँ से मेरी नाते सुन लीजिएगा और काइंडली मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब आप कीजिए मेरे रेसिपी शूट को एंजॉय। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत ही स्पेशल और बहुत ही यूनिक रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।